अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत के कारण से ही हम लोग दो साल पहले सरकार में आए थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता दो साल में जो सरकार के कार्यकाल है उससे संतुष्ट है। निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए दुखद घटनाएं हुई कि चार चार हमारे विधायक साथी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, हमारे बीच में नहीं रहे। कोई उम्र भी सबकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो हुआ उसके आगे हमारा किसी का जोर नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं हमने वहाँ पर हमारे टीम को लगा दिया है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी मीटिंगें ले रहे हैं, पीसीसी के पदाधिकारी अपने मीटिंगें ले रहे हैं, 90 नगर निकायों में चुनाव हैं तो वहाँ पर भी चुनाव, जो उपचुनाव हैं वहाँ पर भी चुनाव हैं। जो कल रात तक रिपोर्टें आई उसमें बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का बहुमत सब तकरीबन जगह बनने जा रहा है, तो इससे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है। और जो विकास के कार्य लोग चाहते हैं, जो हमदर्द बन के सरकार ने कोरोना काल में काम किया है सबके साथ में, उससे सब लोग संतुष्ट हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। जो जिस तरह की तस्वीरें आई किसानों के आंदोलन को पुलिस प्रशासन ने दबाने की, कुचलने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान के साथ में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने एनडीए वन में भी जब भूमि अधिग्रहण कानून को ये चेंज करना चाहते थे उद्योगपति मित्रों के लिए, तब भी तकड़े तरीके से किसानों का साथ दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ के कारण से किसानों की बातों को मानी गई थी, मजबूर होकर के मोदी जी ने मानी थी। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप ज़बरदस्ती हमको क्यों पिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमारी आमदनी दुगुनी नहीं होने वाली है, हमारे को हमारी लागत का 50% मुनाफा नहीं मिलने वाला है, तो आप ज़बरदस्ती ये क्यों कर रहे हो। पूरी व्यवस्था जो 70 साल से जमी हुई है, MSP मिल रहा है, जो AMFC की जो संस्थाएं हैं उनको आप ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन मोदी जी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ में MOU कर रखा है और वो MOU करके उन्होंने अपने मित्रों को, जो मुझे जानकारी मिली है, 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो उन्होंने ये गोदाम वगैरह के लिए इनके लिए दे दिए और पता नहीं कितना इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा होगा। तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ में वो जुल्म कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें बताती हैं कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको जो परमिशन दी, वो किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिससे केंद्र की सरकार की मिली भगत के लिए भी लोग बाग बातें बना रहे हैं, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो बहुत गलत है। आज देखिए, आज जैसे अंग्रेज जुल्म करते थे वैसे बॉर्डर के ऊपर सेनाएं पड़ी हैं, पुलिस पड़ी है, किसानों को खदेड़ा जा रहा है, उनमें फूट डलवाई जा रही है। मतलब राज का इतना बड़ा दुरुपयोग मैं समझता हूँ 70 साल में कभी नहीं हुआ। और जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जुल्म किए थे उस प्रकार से जुल्म आज मोदी सरकार करके किसानों को कुचलना चाहती। ऐसी क्या आफत आ गई कि इनको ये कानून पिला देने ही पड़ेंगे, इनको कानून को मानना ही पड़ेगा, ऐसा प्रजातंत्र में कभी नहीं होता। और ये कोई मनोनीत सरकार नहीं है, किसान के गरीब के वोट से बनी हुई सरकार है। और जब वोट से बनी हुई सरकार है तो वोटर की, किसान की, जो वोट देने वाला उसकी सुननी पड़ेगी। और उसकी नहीं सुन करके, केवल अपने उद्योगपति मित्रों की सुन करके ये फैसले कर रही है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो पहले देश की आज़ादी के समय मुखबिरी करते थे और आज किसान को कुचलने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम। एक बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, स्वतंत्र पत्रकार, कई ऐसे लोग जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनके ऊपर कई बड़ी धाराएं लगाई गई हैं, क्या देश को, अगर मोदी सरकार की तो स्थिति यह है कि अगर उनकी बात के ऊपर आप सहमति प्रकट नहीं करते हो तो आप देशद्रोही भी हो, आपके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, विपक्ष का नेता हो,
चाहे उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई किसान संगठन हो, उनकी तो यही स्थिति है कि या तो हमारी मानो और नहीं आप देशद्रोही हो। आप बताओ किस प्रकार से टिकेत जी का जो कल जिस प्रकार से भावाविल हो रहे थे, आप देखिए उनकी आत्मा रो रही थी कि भाई तुम क्यों मारना चाहते हो, हमको क्यों हटाना चाहते हो, ऐसी क्या नौबत आ गई आपकी। आप अगर किसी असामाजिक तत्व ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल उसमें आपको मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन लाल किले की घटना को जोड़ करके किसानों को यहाँ आकर के उसमें घर में घुस करके और उसको मारना, उनको गिरफ्तार करना, ये कहाँ का प्रजातंत्र है? देखिए निश्चित रूप से कोरोना काल में लोगों को तकलीफें हुई, आमदनियां भी लोगों की घटी, कारोबार भी छीने, और जब देने की बारी आई तो केंद्र की सरकार ने अपना मुंह फेर लिया और ये कह दिया राजस्थान स्टेट हो चाहे दूसरे स्टेट हो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करें। और आज मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये फैसला किया है तो सभी लोगों ने इसको सराहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे बोल नहीं सकते हों मोदी जी से डरते हुए, लेकिन उनको भी लगा हाँ राजस्थान की सरकार ने ये वेट कम किया है तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे। आप बताइए जब 140 रुपये अमेरिकी डॉलर बैलर कच्चा तेल था और आप 50 रुपये हो गया, तब 55 रुपये था, आज 90 रुपये है, लेकिन अभी भी महंगा है सर अन्य राज्यों की तुलना में। अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में महंगा है, लेकिन ये सदैव से था। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देख लो, उससे पहले देख लो। बात ये है कि जब कच्चा तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो फिर तेल केंद्र की सरकार 38-38 रुपये टैक्स लगा रही है। आप देखिए ना डीजल और पेट्रोल पर 38-38 रुपये टैक्स केंद्र की सरकार लग रही है, और केंद्र के सरकार के पास में तो रुपए छापने की मशीन भी है, उनके पास रिजर्व बैंक भी है, स्टेट के से जो जीएसटी का पैसा जाता है वो भी उन्होंने दबा रखा है, आपातकाल के अंदर वो रिजर्व बैंक से पैसा ले सकते हैं। स्टेट्स के पास में क्या है आप बताइए, स्टेट्स कैसे चलेंगे, कैसे तनख्वाह चुकेगी? तो मैं समझता हूँ फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये काम किया है तो ये बहुत ही अच्छा है और महंगाई को कम करने वाला है, वरना तो महंगाई तो आसमान छू रहे भाई मेरे, कोई केंद्र में बोलने वाला है क्या? सर आपसे केंद्र का बजट सत्र भी शुरू है, क्या उम्मीदें हैं आपको, लगता है कि मोदी सरकार के पिटारे से कुछ निकल सकता है, कुछ मिल सकता है राजस्थान को? बहुत बड़ा कट लगा था 25 सांसद। देखिए 25 में से 25 सांसद, मैं तो हर बार कहता हूँ 25 में से 25, और फिर भी केंद्रीय मंत्री भी 3-4 है, और जल संसाधन मंत्री जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है राजस्थान की पीने के पानी की, उसके लिए एक दिल्ली कोड़ी का पैसा नहीं दिया। एमपी का जो बजट उन्होंने काट लिया, और अब केंद्र जो 60% पैसा दे रहे उस पूर हर योजना में ये सर्कुलर भेज रहे हैं कि अगर एमपी के शिलान्यास की फोटो नहीं आई तो हम स्टेट को पैसा नहीं देंगे। दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है, ये संघीय ढांचा है, इसके ऊपर हमला है। स्टेट और सेंटर एक कड़ी के रूप में काम करेंगे तभी देश और प्रदेश का विकास होगा, और आज इस तरीके के तुगल की आदेश देना, इस तरीके से बजट को रोकना, आपने देखा पीएमजीएसवाई की सड़कें थी, जब तक एमपी उस सड़क के ऊपर साइन नहीं कर दे तब तक वो सड़क पास नहीं होगी। तो आप देखिए पीएमजीएसवाई एक एक्ट है और उसके मुताबिक जो उसमें गाइडलाइन है उसके मुताबिक करना है, चाहे भारत सरकार आज मोदी जी की है, चाहे कल यूपीए की थी, चाहे आज और किसी की आ जाए, तो जो कानून है उसके मुताबिक काम करना है, उस कानून के मुताबिक नहीं करके और अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी दादागिरी कर रहे हैं, अपने तौर तरीकों से चला रहे हैं, सारी संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, सारे नियम और कानून कायदे ताक पे रख के काम कर रहे हैं। 10% से 40 कर दिया, 40% कर दिया, आप बताइए ये स्थितियां हैं। केंद्रीय बजट से उम्मीदें हैं सर आपको? भाई जो किसानों के साथ हुआ उससे तो हमें निराशा है कि इस प्रकार से जब वोट देने वाले की नहीं सुन रहे हैं तो ये तो ऐसा ही बजट लाएंगे जो अडानी और अंबानी और बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देगा, आम गरीब को